Hello everyone, welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस जी हां आज हम पढ़ेंगे ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस जिनका जवाब यस और नो में आता है तो आइए देखते हैं डिटेल में इस वीडियो को एंड यस yes, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए चलिए शुरुआत करते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका जवाब यस और नो में आता है और इनके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पहले हम समझ लेते हैं फिर हम बनाएंगे पैसिव वॉइस वॉइस तो जी एक्टिव सेंटेंसेस का रूल कुछ इस तरह से है यस और नो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है टेंसेज के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद होती है मेन वर्ब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स यदि सेंटेंसेस में आए हुए हैं और लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में सेंटेंस को डू यू रोज खाना पकाते हो अब ये जो क्वेश्चन सेंटेंस है इसका जवाब जवाब आपको यस यस और नो नो में में ही मिलेगा आंसर है yes, I cook the food daily. आप यहां पर नो में भी दे सकते हैं तो यस और नो में आंसर देने वाले ऐसे क्वेश्चन सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा से होती है, ये sentence, का है इसकी do, से की गई है आई होप दोस्तों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम यस और नो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं वॉज शी डूइंग हर होमवर्क क्या वह अपना होमवर्क कर रही थी सेंटेंस को देखकर दोस्तों आप पहचान ही गए होंगे किस टेंस का है जी हाँ ये है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस क्योंकि इसमें लगी हुई है वॉज हेल्पिंग वर्ब अब चूंकि सेंटेंस की शुरुआत वॉज हेल्पिंग वर्ब से हो रही है इसलिए ये है यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस आंसर हो सकता है यस शी वॉज डूइंग हर होमवर्क तो यहां पर मैंने आंसर यस yes में दिया है कोई बात नहीं आंसर नो no में भी आ सकता है तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखकर आप पहचान गए हैं क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है वॉज हेल्पिंग वर्ब से और ये है यस और नो टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस ये क्या है ठीक है चलिए अब बनाते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस तो शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस सबसे पहले देखेंगे रूल तो जी रूल कुछ इस तरह से है यस और नो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉयस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ड भी आती है लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड पैसिव वॉयस की हेल्पिंग वर्ड कहलाती है वो कैसे वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी इसके बाद आता है न्यू सब्जेक्ट जैसा कि पहले भी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट ये टर्म यूज़ किया है तो जी न्यू सब्जेक्ट के बाद आती है वर्क की थर्ड फॉर्म यानी वी फिर उसके बाद बाई लगाया जाता है जो कि एक प्रपोजिशन है फिर उसके बाद हम लगाते हैं न्यू ऑब्जेक्ट बेसिकली न्यू ऑब्जेक्ट आपका एजेंट ही होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का आइए देखते हैं एग्जांपल्स में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस तो याद रहे यहाँ पर जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं वे सभी यस और नो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं ठीक है थीके? जिनका आंसर यस और नो में आता है पहला सेंटेंस है डज ही कैच द काइट मतलब क्या वह पतंग पकड़ता है अब इसका आंसर तो या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा ठीक है तो हम पहचान गए हैं यस और नो टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाएंगे अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी हम सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही करेंगे जैसा मैंने रूल में बताया था तो चलिए सबसे पहले इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनेगा इज द काइट कॉट बाय हिम अब इस सेंटेंस में हमने शुरुआत फिर से हेल्पिंग वर्ब से ही की है लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज या डू नहीं लगी हुई है ये चेंज हो गई है जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो कैसे वो समझ लेते हैं तो जी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की वो tenses के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब में यानी अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इन टेंस का है तो वहां पर आप लगाएंगे इज एम आर जैसा कि आप पैसिव वॉइस सेंटेंस में देख रहे हैं आपके सामने है रेड कलर में पैसिव वॉइस सेंटेंस जिसकी शुरुआत मैंने की है इज हेल्पिंग वर्ब से जो कि इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब है इज मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास जो न्यू सब्जेक्ट है द काइट एक सिंगुलर नंबर नाउन है ठीक है अब यहाँ पर द काइट एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट टू सेंटेंस में लिखा हुआ है लास्ट में द काइट तो जी पैसिव वॉयस सेंटेंस में द काइट आपका न्यू सब्जेक्ट हो गया इसके बाद हमने लगाई है वी थ्री यानी वर्क की थर्ड फॉर्म कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट हमने यहाँ ऐड कर दी है उसके बाद लगाया है बाई और बाई के बाद सबसे लास्ट में लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट हिम ठीक है हिम एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही सब्जेक्ट की क्लियर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आई होप सो सेंटेंस क्लियर हो गया होगा तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था यानी प्रेजेंट इन डेफिनेट आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि आपके सामने है डू यू अंडरस्टैंड द लेक्चर्स क्या तुम लेक्चर्स समझते हो दोस्तों यहाँ पर लेक्चर के आगे एस लगना है जो मैं लगाना भूल गई हूँ तो आप लोग ध्यान रखिएगा अब इस सेंटेंस को हम पैसि वॉइस में जब बदलेंगे तो यहाँ पर भी हम इज एम आर का ही यूज़ करेंगे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आइए देखते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस आर द लेक्चर्स अंडरस्टूड बाई यू अब यहाँ पर हमने आर फिर से हेल्पिंग वर्ब लगाई है क्योंकि हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो टेंस था वो था प्रेजेंट इन यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ठीक है हमेशा याद रखना है आपको तो इस तरह से हमारी जो पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी तो हमने आर लगाया क्योंकि हमारे पास जो न्यू सब्जेक्ट है वो है द लेक्चर्स प्लुरल नंबर में ठीक है आफ्टर दिस यहां पर लगाया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड को फिर उसके बाद बाई बाई के बाद यू यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट अब यहां पर न्यू ऑब्जेक्ट यू लिखा हुआ है जबकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी यू था तो आप सभी को मालूम होगा या जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें भी मैं बता दू कि यू सब्जेक्टिव फॉर्म भी होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी ठीक है तो जी ये आपका हो गया पैसिव वॉइस सेंटेंस चलिए आप देखते हैं एक और सेंटेंस डू दे ईट एप्पल्स ठीक है क्या वे सेब खाते हैं अब यहां पर भी यस और नो में ही आंसर आएगा आइए बनाते हैं इसका भी पैसिव वॉइस सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा आर एप्पल्स बाय देम वेरी सिंपल फिर से हमने यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब जो कि की हेल्पिंग वर्ब है लगाई है इसलिए क्योंकि हमारे पास जो न्यू सब्जेक्ट है वो है एप्पल्स ठीक है एप्पल्स यहाँ पर फ्लूरल नंबर में है इसके बाद ईट एन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई उसके बाद लास्ट में लगा है न्यू ऑब्जेक्ट देम दे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट था और यहां पर पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमने इसे देम यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट में बदल दिया लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस को क्लोज करते हैं सो आई होप दोस्तों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो भी यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस की अब देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस डिड शी कॉल हर फ्रेंड क्या उसने अपने दोस्त को बुलाया ये है एक्टिव वॉइस सेंटेंस यहाँ पर डिड का यूज किया गया है तो जब डिड का यूज किया जाता है और उस सेंटेंस को हमें पैसि बनाना पड़ता है तो वहां पर हम लगाते हैं वॉज यॉइस हेल्पिंग वर्ड ठीक है वर, क्वेश्चन सेंटेंस है शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्प से हुई है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्प से ही करनी होती है आइए देखते हैं इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस वॉज हर फ्रेंड कॉल्ड बाय हर तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज ठीक वॉज इसके बाद हमारा न्यू सब्जेक्ट आएगा जो कि है हर फ्रेंड उसके बाद कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय लास्ट में लगाते हैं न्यू ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का एजेंट ही होता है यानी सब्जेक्ट जो यहाँ पर लगाया लगाएगा हर क्वेश्चन सेंटेंस को क्लोज करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ तो ये आपका हो गया पास्ट टेंस का सेंटेंस जिसे हमने बनाया पैसे में अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंस है इज रेवन सिंगिंग अ सॉन्ग क्या रेवन गाना गा रही है आंसर यस और नो में ही आएगा पैसे वॉइस बनाते हैं इज अ सॉन्ग बींग संग बाय रेवन अब पिछले कई वीडियोज में मैंने ये सारे रूल्स बताए हैं कि जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है तो वहां पर हमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त बिंग का यूज़ करना पड़ता है ठीक है एक न्यू वर्ड ऐड करना पड़ता है यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत की गई है इज़ हेल्पिंग वर्ब से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का होता है तो वहाँ पर हम इज एम आर को किसी दूसरी पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं करते हैं वहाँ पर इज एम आर ही रहता है चेंजेस बस केवल इतना करना होता है कि सेंटेंस के अंदर बींग एक वर्ड को ऐड करना होता है तो जी यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब लगाई है और सॉन्ग इज न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके बाद बींग लगाया गया है बींग के बाद सिंगिंग आप देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सिंगिंग वर्ब लगाई गई थी इसे हमने चेंज कर दिया है वी थ्री यानी वर्ब थर्ड फॉर्म में संग फिर उसके बाद बाई लगाया है बाई के बाद सबसे लास्ट में हमने ऐड किया है न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेवन ये नाउन वर्ड ही ऐड हुआ है क्योंकि यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि एजेंट था चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस वर दे कंप्लीटिंग द ऑफिस वर्क यस्टरडे क्या वे कल ऑफिस का काम कर रहे थे यस और नो में आंसर ही आ रहा है इसे भी बनाते हैं पैसिव वॉइस वॉज द ऑफिस वर्क कंप्लीटेड बाय देम यस्टरडे अब यहाँ पर हमने वॉज लगाया है क्योंकि हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट है द ऑफिस वर्क जिसे हम सिंगुलर नंबर में ही कंसीडर करेंगे कंप्लीटेड वर्क की थर्ड फॉर्म लगाई गई है बाय प्रपोजिशन ऐड किया गया है बाय के बाद हमने लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है देम दे को ही चेंज किया है देम में और अदर वर्ड्स यहाँ पर आया हुआ है जो कि है यस्टरडे क्वेश्चन मार्क के साथ सेंटेंस को हमने क्लोज कर दिया है अब देखते हैं अगले टेंस का सेंटेंस Has he given exams? क्या वह यूपीएससी के एग्जाम्स दे चुका है तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट पर सेंटेंस आइए इसे भी बना लेते हैं हम पैसे अब ये सेंटेंस भी आपका यस और नो में ही आंसर दे रहा है तो उसी कैटेगरी में यहां पर आपको पैसे बता रही हूँ इसके पैसे कुछ इस तरह से बनेगी हैव यू पी एस सी एग्जाम्स गिवन बाय हिम वेरी सिंपल वंस अगेन वी हैव एडेड हेयर हैव हेल्प इन वर्ब अकॉर्डिंग टू दी न्यू सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ न्यू सब्जेक्ट है यू पी एस सी एग्जाम्स जो कि फ्लूरल नंबर में है इसलिए हमने हैव लगाया वरना हम हैज लगा दे ठीक है उसके बाद यानी कि न्यू सब्जेक्ट के बाद हमने गिव इन वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है फिर लगाया है बाई और लास्ट में लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है हिम एक्टिवॉयसेंटेंस में ही था सब्जेक्ट के रूप में तो पैसिव वॉइस में हिम आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि अगले टेंस का ही होगा तो यहाँ पर सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड दे डन देयर वर्क क्या वे अपना कार्य कर चुके थे सेंटेंस को बनाएंगे पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से है हैड देयर वर्क बीन डन बाय देम वेरी सिंपल हमने यहाँ पर फिर से हैड हेल्पिंग वर्ब को हैड में ही चेंज किया है यानी जब आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है तो वहां पर केवल और केवल हैड हेल्पिंग वर्ब आती है कोई झंझट नहीं है इसे हर किसी सब्जेक्ट के साथ लगा दिया जाता है क्योंकि ये सिंगल वन हेल्पिंग वर्ब होती है ठीक है तो आंख मुंद कर आपको हैड लगा देना है तो यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले हमने हैड लगाया है शुरुआत हो रही है पैसिव वॉइस सेंटेंस की यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस फिर उसके बाद दियर वर्क ये आपका न्यू सब्जेक्ट बना अर वर्ड के बाद अब हमें लगाना है बीन क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये रूल है कि जब हम पैसि वॉइस बनाते हैं तो उसमें एक न्यू वर्ड ऐड करते हैं जो कि है बीन जैसा कि हम पिछले सेंटेंस में कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में बींग ऐड कर रहे थे उसी तरह से परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हमें बीन ऐड करना होता है जब हम पैसेव वॉइस बनाते हैं तो न्यू सब्जेक्ट के बाद बीन ऐड कर दिया फिर उसके बाद वी थ्री डन यहाँ पर लगाया हमने फिर उसके बाद बाई और लास्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है देम क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क से क्लोज कर दिया सो माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है आपको ऑल राइट right. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि नेक्स्ट टेंस का होगा सेंटेंस आपके सामने है विल ही मैनेज ऑल द सिचुएशंस देर क्या वह वहाँ पर सारी परिस्थितियों को संभाल लेगा सिंपल सा सेंटेंस है बनाते हैं पैसिव वॉइस जो कि कुछ इस तरह से है विल ऑल द सिचुएशन बी मैनेज्ड बाय हिम देर जी हाँ कुछ इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सेंटेंस की शुरुआत की गई है विल हेल्पिंग वर्ब से फिर उसके बाद ऑल द सिचुएशंस यहाँ पर लगाया गया है न्यू सब्जेक्ट ठीक है यह एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट था अब हमें इस न्यू सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही बी लगाना है इसका मतलब ये है कि जब भी फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना होता है तब हम वहाँ पर विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं ठीक है बी के बाद हमने यहाँ लगाई है वर्ब की थर्ड फॉर्म मैनेज फिर उसके बाद बाय फिर उसके बाद हिम लगाया है जो कि इस स्पेसिव वॉइस सेंटेंस का न्यू ऑब्जेक्ट है लास्ट में देर ये एक एक्स्ट्रा अदर वर्ड था जिसे ऐड कर दिया है और सेंटेंस को क्लोज कर दिया है क्वेश्चन मार्क से चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट सेंटेंस जो कि हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में सेंटेंस कुछ इस तरह से है कैन शी क्लाइम द माउंटेंस क्या वह पर्वतों पर चढ़ सकती है अब इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब कैन का यूज़ हुआ है यानी कि मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेस भी जो यस और नो टाइप के होते हैं उनको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं आइए देखते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने बनाया है कैन द माउंटेन बी क्लाइम्ड बाय हर अब यहाँ पर भी पैसिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत कैन मॉडल वर्ब से ही होगी फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया है न्यू सब्जेक्ट द माउंटेंस ठीक है फिर उसके बाद हमें लगाना होता है बी यानी अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत कैन हेल्पिंग वर्ब से हो रही है जो कि एक मॉडल वर्ब है तो जब आप उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ पर आपको लगाना होगा कैन बी ऑल राइट तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने सबसे पहले लगाया है कैन फिर उसके बाद द माउंटेंस एज अ न्यू सब्जेक्ट ऐड किया है फिर उसके बाद हमें लगाना है बी बी के बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म क्लाइम यहाँ लगाई गई है फिर बाय और फिर लास्ट में न्यू ऑब्जेक्ट जो कि है हर सेंटेंस को क्लोज कर दिया है क्वेश्चन मार्क से आई होप सो so, दोस्तों वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि यस और नो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं यहाँ पर मैंने आपको सभी टेंसेस के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स बताए हैं क्लियर है सारे रूल्स ऑल राइट अब मैं आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय